मौसम की तैयारी। तिलरी वन में तन दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। एक पेड़ पर रहने वाली चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कन लगी और देखते देखते घनघोर वर्ष होने लगी। बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। वह चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसला में वापस आ गई और आराम करने लगी। उससे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। चिड़िया ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतना होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांति रहने के बाद चिड़िया फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेता। यह सुन बंदर ने गुस्से से कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। थोड़ी ही देर में हवाएं भी तेज चलने लगी और अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की बरसक कोशिश कर रहा था, पर चिड़िया ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज यह हालत नहीं होती। कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर गुस्से से तुरंत ही पेड़ पर चढ़ने लगा और बोला, भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और यह कहते हुए उसने चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब चिड़िया भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। सीख, हमेशा अपने काम से काम रखो। यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे बेकार के उपदेश ना दें।